जनपद संभल की भव्या जैन ने दिल्ली में 24 नवंबर को आयोजित लिटिल मिस एंड मास्टर यूनिवर्स सीजन 2 में चंदौसी की भव्या जैन ने मिस क्यूट यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतकर नाम रोशन किया है। नगर के व्यवसायी एवं भाजपा नेता अंकित जैन की 8 वर्षीय बेटी भव्या जैन की इस सफलता ने परिवार और नाते रिश्तेदारों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। मिस क्यूट यूनिवर्स 2019 प्रतियोगिता में देश भर से 40 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। भव्य जैन ने प्रथम राउंड में राजस्थान की संस्कृति और वहां की पारंपरिक वेशभूषा में प्रतिनिधित्व किया था। दूसरे राउंड में स्पोर्ट्स थीम पर आयोजित रैम कैटवॉक पर प्रतिभाग किया, जिसमें भव्य जैन द्वारा बैडमिंटन खेल का प्रतिनिधित्व किया गया था। तीसरे राउंड में परिचयात्मक एवं सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नावली का उत्तर देकर रैम पर प्रदर्शन किया था। निर्णायक मंडल में निर्देशक एवं अभिनेता दिनेश मोहन, अभिनेता डॉक्टर वरुण कत्याल एवं निर्देशक एवं अभिनेत्री सपना दत्ता द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। आपको मिस क्यूट यूनिवर्स का खिताब मिला, इसमें क्या कहेंगे आप? एक्चुअली इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी थी। इस मुकाम पे पहुँचने के लिए हमारी मैम ने, हमारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की थी, आज मैं यहाँ पे हूँ उसकी वजह से। कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं उनसे यही कहूँगी, जैसे अगर वो किसी चीज़ की भी इच्छा अपने मन में जागृत करते हैं, उसको अंदर ना दबाएं, उसको बाहर ला के किसी से शेयर तो करें, जिससे वो जो थे उनका सपना ना टूटे। मम्मी पापा के लिए क्या कहेंगी? मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करी है दिन रात, उसकी वजह से ही है। अच्छा, जिससे आप, जिनसे आपने सीखा है वो यहाँ तक पहुँचे, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या नाम है? मिस कविता गुप्ता, मिसेस कविता गुप्ता, उन्होंने मुझे सिखाया है, वो बहुत अच्छी टीचर हैं, उन्होंने सब करा है, उन्होंने बहुत मेहनत कर ली मेरे लिए, जिससे मुझे एक ट्रॉफी हुई है प्राप्त, इसलिए। आपकी बिटिया ने अवार्ड जीता है दिल्ली में, क्या कहेंगे? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके लिए, वो ये क्यूट टाइटल जीत कर लाई है और मैं इसके लिए आगे भी बहुत मेहनत करना चाहूँगी और बच्चे में खुद ही कॉन्फिडेंस बहुत आया है। और क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो मैं नहीं उन बच्चों रहे, को नहीं पढ़ा रहे उनको? उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बच्चे के सपने कभी ना तोड़े। फील्ड कोई सा भी हो, कोई फील्ड छोटा नहीं होता। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसको जाना की अनुमति दें, उनकी हेल्प करें, हर चीज़ में उस बच्चे को बढ़ाएं। आज आपकी शिक्षा ने दिल्ली में अवार्ड जीता है, नाम रोशन किया है, इसमें क्या कहेंगे आप? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, किसी भी टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उसका बच्चा जब तरक्की करता है, उसका स्टूडेंट तरक्की करता है, तो उसको बहुत फख्र महसूस होता है और बहुत खुशी भी महसूस होती है। तो मुझे बहुत खुशी है भव्या के इतने बड़े टाइटल जीत के लाने के लिए। क्या कहेंगे बिटिया के बारे में? बिटिया के बारे में यही कहेंगे कि हमको बहुत प्राउड है कि हमारी बेटी ने चंदौसी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है और आगे भी भविष्य में इंडिया फैशन वीक में भी, आज ही रिजल्ट इसे आया है कि इंडिया फैशन वीक में भी इसका सिलेक्शन हो गया है और अप्रैल और मई में, मैं समझता हूँ, यहाँ तक डेट नहीं आई है, जब भी डेट आएगी हम लोग आगे के लिए भी तैयारी करेंगे। अब हमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन मिस यूनिवर्स ना बन के उसके नीचे के टाइटल हमें मिला है, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम किसी प्लेटफॉर्म पर पहुँचे अपनी बेटी को लेके और हमारी बेटी ने हमारी चंदौसी पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस बात से हमें फ़र्क है और हम लोग समय नहीं दे पाते, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग राजनीति व्यापार में सब लगे रहते हैं, लेकिन समय ना देना, बच्चों के लिए ज़रूर समय दें और आगे भविष्य में बच्चों की इच्छाओं को पूरा करें। हो सकता है आज के बच्चों की सोच इच्छा का जहाँ जो जागृत होती है, भविष्य में माँ बाप के लिए एक प्राउड फील करा सकती है, और जैसे आज हमें प्राउड फील हो रहा है।